नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं टॉप न्यूज हरियाणा। हरियाणा की ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप हरियाणा के किस जिले से हैं कमेंट करके जरूर बताएं। खट्टर को टक्कर देने के लिए निकले हुड्डा, एसआरके गुट का किनारा, लोकसभा में हरे करनाल में दिखाई ताकत, जीटी रोड बेल्ट की 30 सीटों पर नजर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को विधानसभा चुनाव में चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। जीटी रोड बेल्ट को साधने के लिए कांग्रेस ने रविवार को पूर्व सीएम खट्टर के गढ़ करनाल में कार्यकर्ता सम्मेलन किया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं इस सम्मेलन में शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी ग्रुप का कोई नेता नजर नहीं आया। कार्यक्रम में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने, हमें करनाल में कामयाबी नहीं मिली लेकिन हरियाणा में उसका नतीजा जरूर आया। चुनाव हो चुके हैं, अब बैठना नहीं है, असली लड़ाई आगे है। विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर आगे बढ़ना है, मिशन को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 10 साल में हरियाणा को पीछे धकेल दिया। 2014 में हरियाणा देश में नंबर वन था लेकिन आज भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अपराध में नंबर वन है। कौशल रोजगार निगम बनाया गया जिसका काम स्थायी नौकरियां देना है, ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। हरियाणा में भजनलाल परिवार का मंत्री पद का सपना टूटा। चौटाला जीतते तो भव्य बिश्नोई बन सकते थे मंत्री। आदमपुर में हार से दावा खत्म। हरियाणा की हिसार लोकसभा सीट पर बीजेपी की हार सिर्फ रणजीत चौटाला ही नहीं बल्कि पूर्व सीएम भजनलाल परिवार के लिए भी टेंशन की वजह बन गई है। यहां आदमपुर विधानसभा सीट पर भी भाजपा कांग्रेस के मुकाबले पीछे रही। इससे न केवल कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई का मंत्री पद पर दावा ठंडा पड़ गया बल्कि दिल्ली में डटे कुलदीप बिश्नोई को गढ़ बचाने के लिए हिसार लौटना पड़ेगा। पहले माना जा रहा था कि अगर हिसार सीट से रंजीत चौटाला जीते तो भव्य बिश्नोई को उनका खाली किया मंत्री पद मिल सकता है। कुलदीप बिश्नोई इस बात को जानते थे कि आदमपुर में अगर वह हार गए तो इसका खामियाजा उनके राजनीतिक जीवन पर पड़ेगा। इस स्थिति को भांपते हुए वह बार बार जनता के बीच गए और अपने पिता चौधरी भजनलाल से जुड़ाव को याद दिलवाकर वोट मांगे। हरियाणा में बच्ची को मारने वाला तेंदुआ पकड़ा। सुबह लोगों से 20 मीटर दूर था, फिर ड्रेन सीवरेज में छिपा, 45 मिनट में रेस्क्यू। हरियाणा के पानीपत में यमुना से सटे भैंसवाल गांव के पास रविवार दोपहर को आदमखोर तेंदुआ पकड़ लिया गया। लोगों ने इसे सुबह खेत में देखा था, इसके बाद वह ड्रोन सीवरेज में छिप गया। लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी। रोहतक में पहुंची टीम ने 45 मिनट में उसे रेस्क्यू कर लिया। अब उसे रोहतक ले गए। इसी तेंदुए ने 4 जून को हरियाणा के गांव नवादा के सामने यूपी के एरिया में खेतों में एक बच्ची को मार डाला था, जिसके बाद लोग दहशत में थे। इस तेंदुए को वन विभाग और पुलिस की टीम 3 दिन से लगातार तलाश कर रही थी। जंगलों में ड्रोन की मदद से उसे लगातार ढूंढने की कोशिश की गई लेकिन वह ड्रोन में कैद नहीं हो पाया। इसी बीच रविवार को तेंदुआ स्थानीय ग्रामीणों के कैमरों में कैद हो गया। करीब 20 मीटर की दूरी से लोगों ने उसे अपने मोबाइल के कैमरों में कैद किया। इसके बाद तुरंत वन विभाग को सूचित किया गया। हरियाणा में वन मित्रों की होगी भर्ती। सीएम सैनी ने किया ऐलान, पौधों की जियो टैगिंग होगी, ड्रोन से 5 सालों तक निगरानी होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने घोषणा की कि वन मित्र योजना के तहत जल्द ही वन मित्र की भर्ती की जाएगी। इस वन मित्रों को पौधों की देखभाल के लिए मानदेय दिया जाएगा। उन्होंने भर्तियों को ड्रोन का उपयोग करके मौजूदा पौधों और वृक्षारोपण अभियान के तहत प्रतिवर्ष लगाए जाने वाले पौधों की नियमित रूप से मैपिंग करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अगर वन भूमि पर आग बुझाने में देरी हुई तो वन रक्षकों से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक की जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में वन एवं वन्य जीव विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने प्राणवायु देवता योजना का ब्रोशर भी जारी किया। बैठक में पर्यावरण, वन और वन्य जीव राज्य मंत्री संजय सिंह ने भाग लिया। मुख्यमंत्री को बताया गया कि 20 करोड़ रुपए का बजट है। वर्ष 2024 और 25 के लिए वृक्षारोपण अभियान के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। हर्बल पार्कों पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री को यह भी बताया गया कि प्राणवायु देवता योजना के तहत राज्य सरकार रुपए की वार्षिक पेंशन प्रदान करने की योजना बना रही है। हरियाणा में गड्ढे में गिरने से बची रोडवेज बस। निर्माणाधीन पुल पर धंसे टायर, 40 सवारियों को पिछले दरवाजे से निकालकर बचाया गया। हरियाणा के चरखी दादरी में रविवार को बड़ा हादसा होने से बचाव हो गया। यहां एक सवारियों से भरी चलती रोडवेज बस गड्ढे से गिरने से बच गई, जिसमें सवारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान किसी तरह बस का थोड़ा बैलेंस बना और ड्राइवर और कंडक्टर नीचे उतरे, जिसके बाद करीब 35 से 40 सवारियों को पिछले दरवाजे से बाहर निकाला गया। इसके बाद जेसीबी बुलवाकर बस को बाहर निकलवाया गया।
जानकारी के मुताबिक बाडरा में बाडरा सतनाली सड़क मार्ग पर नहर के ऊपर पुल पर बने पुराने पुल को तोड़कर नया पुल बनाया जा रहा है। इसके लिए वहां करीब 10 से 15 फीट गहरा और बड़ा गड्ढा खोदा गया है। वहीं इस गड्ढे के साथ ही वाहन निकल रहे हैं। जब बस बाडरा से आगे निकली और इस पुल से निकलने लगी तो बस के वजन से मिट्टी टूटकर नीचे गिर गई, जिसके बाद बस का अगला टायर गड्ढे में चला गया। पलवल में ट्रक से पकड़ा 50 लाख का चूरा पोशाक। पंजाब में करनी थी नशे की सप्लाई, कंडक्टर अरेस्ट, ड्राइवर अंधेरे में फरार। हरियाणा के पलवल में पुलिस ने ट्रक में पंजाब ले जाया जा रहा 50 लाख रुपए कीमत का नशीला पदार्थ बरामद कर लिया है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर उसके कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि ड्राइवर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। सीआईए हदीन की टीम ने मुड़कटी थाने में केस दर्ज करवाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। हतीन सीआईए प्रभारी दीपक गुलिया ने बताया कि उनको सूचना मिली थी कि आगरा की तरफ से एक ट्रक में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ ले जाया जा रहा है। ट्रक नेशनल हाईवे 19 से पलवल होता हुआ पंजाब के लिए जाएगा। सूचना पर उनकी टीम ने नेशनल हाईवे 19 पर मुड़कटी थाना के निकट नाकाबंदी कर ली। ट्रक को आता देख उसे रोकने का इशारा किया तो ड्राइवर ने ट्रक को दूर रोक दिया और स्वयं कूद कर भाग गया। कंडक्टर ने भागने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। डीएसपी नरेश कुमार की देखरेख में ट्रक की तलाशी ली तो ट्रक में रखी पुरानी बैटरी व प्लास्टिक के कट्टों में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ चूरा पोशाक भरा हुआ था। ट्रक को तिरपाल से पूरी तरह ढका हुआ था। हरियाणा में युवक की हत्या पर बवाल, घरों में घुसे प्रदर्शनकारी, कार बाइकें तोड़ डाली, अंतिम संस्कार रोक, 3 घंटे जाम लगाया। हरियाणा के फतेहाबाद में रविवार को युवक बलराज की हत्या के बाद बवाल हो गया। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर परिजनों ने लोगों के साथ लालबत्ती चौक जाम कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वे डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, खून के बदले खून चाहिए। इस दौरान वह डेड बॉडी को भी लालबत्ती चौक पर ले आए। डीएसपी उन्हें 24 घंटे में कार्रवाई का आश्वासन देते रहे लेकिन वह नहीं माने। इस बीच 20 से 25 युवक उग्र हो गए। उन्होंने आधा पौना घंटा तक जमकर उत्पात मचाया। युवक सबसे पहले लालबत्ती चौक से कुछ ही दूरी पर स्थित एक चिकन कॉर्नर पर पहुंचे और वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। उन्होंने काउंटर वगैरह उल्टा दिए। ये देख पुलिस उन्हें रोकने पहुंची लेकिन वो वहां से भागकर आरके कॉलोनी में घुस गए। महेंद्रगढ़ में रिटायर फौजी के 2.5 लाख रुपए उड़ाए, पीएनबी से निकलवाकर बाइक के बैग में रखे थे, युवक ने निकाले। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक रिटायर फौजी से 2,50,000 रुपए छीनने का मामला सामने आया है। व्यक्ति एक बैंक से रुपए निकलवाकर दूसरे बैंक में जमा करवाने जा रहा था। इस दौरान पीछा कर रहे बदमाश रुपए वाला पॉलिथीन छीन कर भाग गए। सिटी थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव सुरजनवास निवासी रिटायर फौजी अतर सिंह ने पुलिस में दी शिकायत में बताया कि उसने 15 जून को सिनेमा रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक महेंद्रगढ़ से 2,50,000 रुपए निकलवाए थे। इसके बाद वह पैसों को जमा करवाने के लिए राव तुलाराम चौक पर SBI बैंक जा रहा था। वह बस स्टैंड रोड PWD कार्यालय के नजदीक यादव धर्मशाला के पास पहुंचा और वहां उसने कुछ सामान खरीदा। अदर सिंह ने बताया कि उसके बाद वह अपनी बाइक को धीरे धीरे चलाने लगा क्योंकि वहां भीड़ हो रही थी। इसी दौरान वहां एक लगभग 14 साल का युवक और एक व्यक्ति आए। युवक ने चलती बाइक से कपड़े के बैग के पॉलिथीन में रखे 2,50,000 रुपए निकाल लिए और भाग गए।